सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल रिव्यूशन टेक अपडेट चैनल को और ये बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। Hey, what's up guys? This is Pratik here. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 एंड्रॉइड ऐप्स जो कि अच्छे एंड यूनिक हैं। आप ये एप्लीकेशन में जो 10 टॉप बताने जा रहा हूँ वो बहुत आपको हेल्पफुल करेगा आपको फोन में। आप ये एप्लीकेशन सब यूज करके अपना फोन को और थोड़ा यूजफुल भी बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन 10 टॉप एप्लीकेशन में आपको जो कि बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मेरा पहला एप्लीकेशन उसका नाम है सोक्रेटिक। आप प्ले स्टोर फर्स्ट प्ले स्टोर ओपन करते हैं। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप इधर सर्च करेंगे SO। इस सब एप्लीकेशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि आप जाके डायरेक्ट उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ। इसका रेटिंग अच्छा है, 4.5 इसका रेटिंग है और इसका 500,000 इसका डाउनलोड है। तो आपको इधर क्या लिखते हैं देखिए, टेक ए पिक्चर ऑफ योर होमवर्क एंड गेट आंसर्स मैस्टर्स वीडियोस एंड मोर। तो आप कुछ आंसर का सॉल्व भी इधर पा सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन यूज कैसे करते हैं आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। आप इसका कुछ भी इंटरफेस देख सकते हैं। तो ये था उसका इंटरफेस। तो मैं इसको डाउनलोड कर दिया हूँ, आप भी फटाफट डाउनलोड कर दीजिए। उसके बाद में हम लोग ओपन करते हैं। ये हो गया ओपन। तो देखिए आपको इधर क्या क्या करना पड़ता है। तो फर्स्ट आपको इंटरफेस ऐसे आ जाएगा, मतलब सर्च ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये है। आप कुछ भी क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं आप कैमरा के थ्रू। आप क्वेश्चन को अच्छे राइटिंग में लिखना पड़ेगा, उसके बाद कैमरा में आप फोटो क्लिक करने से उसका वो आंसर दिखा देगा। तो मैं अभी इधर क्वेश्चन क्लिक नहीं करता हूँ, अभी मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। जैसे मैं इधर लिखता हूँ व्हाट इज ए ट्रांसफॉर्मर। आपको इधर ऑफलाइन में ये एप्लीकेशन बहुत ही यूज होगा। आप किसी क्वेश्चन या होमवर्क करने चाहते हैं तो या कंप्यूटर या साइंस या फिजिक्स या मैथ कुछ भी आप होमवर्क चेंज करने चाहते हैं आपको डायरेक्ट जाना पड़ता है गूगल क्रोम में। फिर उधर जाके आपको सर्च करना पड़ता है व्हाट इज ए ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज ए मिटोसिस, व्हाट इज ए फोटोसिंथेटिस, व्हाट इज ए मल्टीपोल, व्हाट इज ए फैक्टर। फिर आपको मैं हम लोग कंप्यूटर में जाने से व्हाट इज ए कंप्यूटर, व्हाट इज ए कीबोर्ड, व्हाट इज ए जावा, व्हाट इज ए जावा लैंग्वेज, आपको बहुत सारे सवाल उधर गूगल क्रोम में टाइपिंग करना पड़ेगा। तब आप ने बिना नेट के यूज किए भी आप ये सब आंसर पा सकते हैं तो ई एप्लीकेशन के थ्रू। तो देखिए मैं जैसे इधर क्लिक किया तो व्हाट इज ए ट्रांसफॉर्मर, तो ये व्हाट इज ए ट्रांसफॉर्मर लिख के इसका आंसर भी दे दिया है। इधर आप पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस टू स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज इन एसी सर्किट, देयर आर प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। मैं आपको रेफर करना जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो उन्हीं के लिए स्टूडेंट्स के लिए मस्त एप्लीकेशन है। इसको यूज कीजिए, आपको कोई सा भी सवाल मैथ फिजिक्स साइंस इंग्लिश कंप्यूटर फोटर कुछ भी चाहिए सवाल, तो आप डायरेक्ट इधर ये एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आपका क्वेश्चन टाइपिंग करेंगे या आपका कॉपी में क्वेश्चन लिखा है आपको टाइपिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आपका फोन थोड़ा हैंग होगा रहोगा, आप फोटो क्लिक कर दीजिए, बस फोटो क्लिक कर दीजिए। फोटो क्लिक करने के बाद आपको ये आंसर भी दे देगा। तो फोटो क्लिक करने में आपको नहीं दिखाया था, मैं बस आपको टाइपिंग दिखाया था, आपको फोटो क्लिक करने से भी होगा क्योंकि इधर कैमरा के भी ऑप्शन दिया है। तो आपको इधर डायरेक्ट यूट्यूब में भी ट्रांसफर कर देगा। आप इधर क्लिक करने से यूट्यूब में आप चले जाएंगे और थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप बिना नेट के भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं। देखिए जैसे गूगल क्रोम में आप सर्च करते हैं व्हाट इज ए ट्रांसफॉर्मर, आपको इधर सर्च ऐसे करना पड़ता है गूगल क्रोम में जाकर व्हाट इज ए ट्रांसफॉर्मर। सर्च करने के बाद आपको इधर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता है यार व्हाट इज ए ट्रांसफॉर्मर। बस सर्च करने से आपको ट्रांसफॉर्मर का कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देगा, बस आपको डायग्राम वाइग्राम कुछ भी डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये एप्लीकेशन देखिए मैं फर्स्ट आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ। जैसे मैं व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर क्लिक किया था तो आपको इधर ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम के साथ उसका डिटेल्स पूरा डिस्क्रिप्शन में आ गया। तो ये एप्लीकेशन जो अभी मैं स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ यूज कीजिए भाई, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये था मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन। तो चलते हैं हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन में जिसका नाम है डिसीजन क्राफ्टिंग। आप जाके प्ले स्टोर में सर्च करेंगे डिसीजन क्राफ्टिंग। ये है डिसीजन क्राफ्टिंग। ये क्या है एप्लीकेशन मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ।
आपको इधर इसका रेटिंग मिल जाएगा 4.5 रेटिंग है इसका, 50,000 इसका डाउनलोड है, तो इसका भी एप्लीकेशन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो कि आप डायरेक्ट जाके उधर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका इस आपको आप इसका थोड़ा इंटरफेस देख सकते हैं। तो पहले हम लोग फटाफट इसको इंस्टॉल कर देते हैं। 7.24 MB का छोटा एप्लीकेशन है। ये इंस्टॉल हो गया है, उसको पहले हम ओपन करते हैं। ये है डिसीजन क्राफ्टिंग। तो फर्स्ट के मारिए साइड राइट क्लिक, ये आ गया यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, बी माय डिसीजन। मतलब आपको डिसीजन की आप डिसीजन कुछ भी गलती होगा तो आप ये एप्लीकेशन से डिसीजन कर सकते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाइक बीस वर्सेस कार, तो क्या दिखता है फ्लेक्सीबिलिटी, इधर क्लिक करने से फ्लेक्सीबिलिटी आपको ट्रांसपोर्ट वॉल्यूम कार में जाने से बाइक में जाने से आपको इन्वायरमेंटल स्पीड कितना है आपको डिसीजन वाइज लेना पड़ेगा। अब बाइक देखिए पब्लिक बेस्ट ऑप्शन इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाइक 35 पब्लिक ट्रांसपोर्ट 65, तो आपको इधर बाइक लेने से अच्छा होगा। तो ये क्लिक कर देने के बाद आपको HTML और ये क्लिक करने के बाद आप ये एप्लीकेशन को आप बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये आप फिटनेस लेवल में जाने से तो आप इधर का ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो विद वेदर इंडिपेंडेंस फिटनेस लेवल एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो आप इधर क्लिक करने के बाद आपको इधर दिखा देगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना है 135, तो आपको इधर बाइक लेने से ठीक होगा। तो ये आप इसका आपको ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आप किसी को शेयर भी इधर कर सकते हैं। तो नंबर 4 मैं इधर दे देता हूँ, क्या दूंगा ट्रेन दे देता हूँ। नंबर 5 इधर क्या दूंगा टेम्पो दे देता हूँ। तो आप डिसीजन भी इधर टाइपिंग कर सकते हैं, आपको ये डिसीजन में बता देगा। ये आगे आप इधर सेव कर देंगे, सेव करने के बाद आप इसको इधर बढ़ाना पड़ेगा, आपको इधर टेम्पू ट्रेन बाइक का ऑप्शन आ जाता है। मैं जैसे टेम्पू में इधर फ्लेक्सिबिलिटी इधर कितना करता हूँ, वेदर इनवेंट इतना, फिटनेस लेवल इतना और स्पीड इतना करता हूँ। तो टिक में मारने से आपको इधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर मोर क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू गेट ए यूनिक रिजल्ट योर टू बेस्ट ऑप्शन वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट टेम्पू। इधर टेम्पू ही अच्छा ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये एप्लीकेशन को आप यूज कीजिए, आपको डिसीजन में लेने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था मेरा सेकंड एप्लीकेशन। तो चलते हैं हम लोग को थर्ड एप्लीकेशन की तरफ। तो अब जिसका नाम है टीवी टाइम, ये एप्लीकेशन आप नाम सुनते ही समझ गए होंगे टीवी टाइम एप्लीकेशन क्या है। आपको इधर टीवी का कोई भी प्रोग्राम आप मिस नहीं कर नहीं सकते क्योंकि ये आपको अपडेट दे देता है। आप प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे टीवी टाइम, टीवी टाइम टीवी शो मेकर। इसको मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ क्योंकि मैं इसको यूज करता हूँ। इसका रेटिंग अच्छा है 4.7 इसका रेटिंग है, 1 मिलियन इसका डाउनलोड है। आप इसका कुछ इंटरफेस भी देख सकते हैं, व्हाट्स आर यू वॉचिंग। तो मैं इसको इंस्टॉल करके रखा हूँ, आप भी फटाफट इंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है, 7 MB का बस एप्लीकेशन है। तो हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो ये है ट्रैक योर फेवरेट टीवी सेट एरिका यूजर्स टीवी टाइम टू बी रिमेंबर वेयर दिस लेफ्ट ऑफ दिस शोज इट गेट स्टार्टेड माइनस। आप इधर साइन अप करना पड़ेगा, बिना साइन अप के ये ओपन नहीं होगा क्योंकि इधर आपको साइन अप करने से आप इधर लॉग इन हो सकते हैं। आपको इधर डोंट क्रिएट अकाउंट कंटिन्यू करने से व्हाट्स योर यू आर वॉचिंग आपको इधर डिटेल्स में ऑप्शन नहीं आता है, पर मैं ये वीडियो में आपको दिखा दिया था डायरेक्ट में मार दिया। आपको अपडेट चाहिए तो आपको फेसबुक या ईमेल में लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद आपको इधर कोई भी टीवी शोज का अपडेट मिल जाएगा। तो मैं आपको इधर डायरेक्ट दिखा दिया, आप भी इधर अपडेट कर सकते हैं। तो मैं अभी इधर क्लिक करता हूँ, Continue. What do you watch? आपको इधर टीवी शो इंग्लिश में ज्यादा मिलता है क्योंकि एप्लीकेशन थोड़ा अजब गजब है, ये इंग्लिश में ही रखता है सब। आप इधर सर्च भी कर सकते हैं,
गेम ऑफ द थ्रोन्स में इधर मैसेज करूंगा। स्नाइपर आता है कि देखिए मॉडर्न स्नाइपर में सर्च करना चाहता था। मॉडर्न स्नाइपर आप इधर फॉलो करके आपके इधर फॉलोअर भी बन सकते हैं, आप टीवी में देख सकते हैं, आपको इधर डिटेल्स में भी मिल जाएगा। आप बिना टीवी देखे फिल्म को आप इधर भी वॉच कर सकते हैं, तो आप इसको रेटिंग भी दे सकते हैं। इसका ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है स्नाइपर। मेरा बॉर्डर मारता हूँ, आता है कि बॉर्डर आ जाता है तो मैं इधर के मरता हूँ। अभी मैं मारूंगा डॉन नंबर वन, आता है कि चेक कर सकते हैं हिंदी में आता होगा डॉन नंबर वन। डोंट नो, तो ये अमेरिकन एप्लीकेशन है इसलिए हम लोग को इन हिंदी में कुछ नहीं देता है। जो भी चैनल आप देखना चाहेंगे वो सब हिंदी में अवेलेबल रहेगा। तो आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, आपको इधर बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्लिश फिल्म मिल जाएंगे, जो कि आप उधर डिटेल्स में भी स्टोरी पढ़ सकते हैं या आप टीवी में भी देख सकते हैं। आपको कुछ अपकमिंग फिल्म्स का अपडेट भी मिल जाता है जब आप। तो जो मेरा फोर्थ एप्लीकेशन है उसका नाम है मेटल कार्ड्स। मेरा थर्ड एप्लीकेशन था टीवी टेन, ये मेरा फोर्थ एप्लीकेशन है मेटल कार्ड्स। ये मेटल कार्ड्स क्या होता है क्या आपको मैं बता देता हूँ। आइकन पैक आपको इधर रेटिंग इसका अच्छा है, 4.6 का रेटिंग है, 50,000 इसका डाउनलोड है। आप इसका कुछ इंटरफेस भी देख सकते हैं। इसका इंटरफेस ऐसे ऐसे टाइप का आएगा। तो फर्स्ट इसको हम लोग इंस्टॉल में कपड़ ले से कर दें, आप भी इंस्टॉल कर दीजिए। इसको ओपन करते हैं और ये कैसे यूजफुल होता है आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपको इधर ऑप्शन में आने से आपको दिखा देगा बहुत सारे आइकन, आप ये आइकन को क्लिक करके अपना फ़ोन में रख सकते हैं। आप अपना मतलब कॉल सेटिंग में, कॉल सेटिंग में भी रख सकते हैं। आइकन पे आप कॉल में जाकर ये आसपास एड का ये पिक्चर लोगो भी रख सकते हैं। तो आपको इधर वॉलपेपर भी आ जाएगा, बहुत सारे वॉलपेपर। आप इधर वॉलपेपर में डायरेक्ट क्लिक करके आप इधर टिक में करने से आपका वॉलपेपर सेट हो जाएगा। आपको कुछ भी वॉलपेपर डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा। आप इधर होम में क्लिक करने से आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर में ओपन हो जाता है। तो इधर वॉलपेपर भी दे सकते हैं, आइकन भी दे सकते हैं। आइकन में क्लिक करने से आपको बहुत सारे बहुत डिफरेंट लुक का जाओ में जैसे इधर डिफरेंट लुक का आइकन आ जाता है, फेसबुक का आइकन, जेवा का आइकन। आप कुछ आइकन मतलब आपका जब आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं आपको कुछ आइकन याद आता रहेगा, आप इधर आइकन डायरेक्ट दे सकते हैं। इधर मोटोरोला का आइकन आ गया, वन प्लस का आइकन आ गया, आपका सैमसंग का आइकन आ गया, आपका फ़ोन को आइकन भी दे सकते हैं। आपका फ़ोन पर मैं बता देता हूँ, मेरा फ़ोन जैसे जावामी है, मैं सैमसंग का आइकन भी दे सकता हूँ, सैमसंग का जो कॉल में रहता है, और HTC का आइकन भी दे सकता हूँ। तो ये था आइकन पैक, और इधर आपको वॉलपेपर का भी मिल जाता है। तो ये था मेरा फोर्थ एप्लीकेशन। चलते हैं हम लोग फिफ्थ एप्लीकेशन में जिसका नाम है पोस्ट्रोइड। तो आप इधर प्ले स्टोर में सर्च करेंगे पोस्ट्रोइड, मतलब आपको इधर पोस्ट्रोइड में बता देता हूँ। आप ये वॉलपेपर एप्लीकेशन हालांकि नहीं है, ये आपको यूट्यूब में पोस्टर बनाने के लिए या कोई सा भी फेसबुक में पोस्टर बनाने के लिए, पोस्टर लगाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसका रेटिंग अच्छा नहीं है क्योंकि इसका रेटिंग बहुत ही नया एप्लीकेशन, इसको रेट कोई नहीं किया, 100% बस इसका 100% डाउनलोड है। तो आप इधर क्लिक करके डायरेक्ट यूट्यूब में पहुँच के आप यूट्यूब में भी डायरेक्ट इसका वीडियो देख सकते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप इसका कुछ इंटरफेस देख सकते हैं। इसका इंटरफेस ऐसे ही कुछ रहेगा, तो इसको आप फटाफट इंस्टॉल कर दीजिए क्योंकि मैं इसको पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ। इसको मैं यूज करता हूँ मेरे यूट्यूब पोस्टर बनाने के लिए। तो ये मैं जैसे अब इधर क्लिक करता हूँ, मेरा एक यूट्यूब पोस्टर, मेरा पोस्टर एक तो बन गया। जैसे आप गूगल क्रोम में सर्च करते हैं कुछ पोस्टर, पोस्टर में आने से जैसे गूगल क्रोम में आपको दिखा देता हूँ। गूगल क्रोम में आप ऐसे कुछ सर्च करते रहेंगे, जैसे देखिए बता देता हूँ, आप पोस्टर सर्च करते रहेंगे, पोस्टर में जाने से आप इमेजेस में जाने से आपको इधर पोस्टर ऐसा कुछ आता रहेगा जिसमें वो फोटो के ऊपर कुछ लिखा रहेगा। जैसे देखिए ये भी एप्लीकेशन ऐसे ही है। तो आप कोई से भी पोस्टर बनाना चाहते हैं आप कोई से भी फोटो पोस्टर बना सकते हैं, और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ कैसे इधर क्लिक कर लेते हैं, आपका जो फर्स्ट फोटो रहेगा उसमें पोस्टर बन जाएगा। तो आप इधर काट के भी इधर लिख सकते हैं। जैसे मैं इधर टेक्निकल रिव्यूशन टेक अपडेट इधर लिखता हूँ, जैसे टेक्निकल रिव्यूशन टेक अपडेट लिखने से भी होगा, जो कि आपका नाम भी लिख सकते हैं, कोई सा भी इधर काम कर जाएगा। तो अच्छा है पोस्टर मेकिंग एप्लीकेशन, आपके यूट्यूब पोस्टर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। करने के बाद आप इधर क्लिक करने के बाद आपका गैलरी में सेव हो जाएगा, उसके बाद आप पोस्टर इसको दे सकते हैं। तो ये था मेरा फिफ्थ एप्लीकेशन। तो चलते हैं सिक्स्थ एप्लीकेशन के, जिसका नाम ईडो। तो पहले इसको प्ले स्टोर में जाते हैं,
ईडॉक क्या है आपको मैं डिटेल्स में बता दूंगा, और ये एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में मैं सब लिंक भी दे दूंगा। ईडॉक ये स्टार्ट हो गया, ईडॉक ये 4.5 इसका रेटिंग है, इसका 5000 इसका डाउनलोड है। तो इसका कुछ आप इंटरफेस भी देख सकते हैं। तो आपको इधर समझ में नहीं आता होगा ईडॉक क्या है, आप व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी आप मैसेज करते हैं आप एक ही जगह में आप कोई सा भी एप्लीकेशन ओपन नहीं करके ये एप्लीकेशन के थ्रू आप इधर ग्रुप भी बना सकते हैं, चैट मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसको मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। जामी सिक्योरिटी नहीं तो ऑलमोस्ट आप इधर आपको सिक्योरिटी सिस्टम देना पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छा आपको इधर ओपन होने के बाद आपको इधर अपना जीमेल एड्रेस लॉगिन होना पड़ेगा। बिना जीमेल लॉगिन नहीं होने से लॉगआउट मारने से आपको लॉगआउट भी इधर हो जाएगा। बिना जीमेल एड्रेस लॉगिन में ये एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगा। ये आपको जिसकी देखिए इधर ऐसे तो इंटरफेस आता है साइन इन विथ गूगल मारने के बाद, आप गूगल में साइन होने के बाद आपको इधर व्हाट्सअप का आप जो भी मैसेज आता है आपको नोटिफिकेशन आपको उधर व्हाट्सअप में या फेसबुक इंस्टाग्राम में मैसेज आ जाएगा। आप इधर मैसेज क्लिक करके आप सेंड में मारने से जो भी ऑप्शन आ जाएगा व्हाट्सअप इंस्टाग्राम फेसबुक आप उसके थ्रू आप क्लिक करने के बाद आपको मैसेज चले जाएगा। आपको व्हाट्सअप इंस्टाग्राम फेसबुक इतना एप्लीकेशन ओपन नहीं करना नहीं पड़ेगा। आपको इधर चैट करने के लिए बहुत ही एप्लीकेशन अच्छा है और बहुत जल्दी मैसेज इधर जाता है। तो ये था मेरा 7th एप्लीकेशन। तो चलते हैं हम लोग विशिल टू फाइंड 7th एप्लीकेशन Whistle to find application। तो इसका रेटिंग अच्छा है, 4.4 इसका रेटिंग है, 100% इसका डाउनलोड है। तो इसका इंटरफेस भी आप कुछ देख सकते हैं, इसे इंटरफेस ऐसे आता है। मतलब इस विशिल टू फाइंड मतलब आपका फ़ोन आप कहीं घूम कर दिए क्या, आपके घर में कहाँ कहीं पर रख दिए आपको याद नहीं आता रहेगा कहाँ पर है मेरा फ़ोन, आप इधर विशिल मारने से आपका फ़ोन इधर बजेगा जो कि आपको रिंग होगा आपको पता चल जाएगा मेरा फ़ोन उधर है। तो इसको मैं फर्स्ट इंस्टॉल कर देता हूँ। हाई पेम्बी का ये एप्लीकेशन है, इंस्टॉल हो गया। इसको हम लोग अभी ओपन करते हैं। हेलो देना पड़ेगा। गेट स्टार्टेड फाइंड योर डिवाइस जस्ट विशिल एंड स्क्रीन ऑफ। गेट स्टार्टेड हो गया विशिल।